तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मुकेश भाई से हम मिल लिए हैं और काफी अच्छा लगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप में से जो कुछ भी भाई लोग जानते होंगे मेरे बारे में, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और भाई इतना ज्यादा मेहनत करते हैं यार, 2-2.5 साल से वीडियो बनाते हैं, ऊपर से दोस्तों इन्होंने अपना वीडियो बनाने के लिए जॉब वगैरह छोड़ दिया। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो ना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज मैं ऐसे यूट्यूबर से मिलने वाला हूँ ना जो शायद मुझे आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस मैं यूट्यूबर से मिलने जा रहा हूँ ना भाई, आप लोग उनको जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, भाई मैं जा रहा हूँ मुकेश साहनी से मिलने, ठीक है। गरीब एमएस गेमिंग करके एक चैनल है, आप सभी को पता होगा, मुझे नहीं पता होगा लेकिन उनके बारे में आप सभी को पता होगा। तो मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ उन्हीं से मिलने। अभी आप लोग देख सकते हो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो फटाफट मैं कपड़ा पहन लेता हूँ। और हाँ देखो एकदम अननोन में जा रहा है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता है घर कहाँ पे है, ठीक है, सिर्फ जिले का नाम पता है। भाई जिले के नाम से कोई कैसे मिल सकता है? तो चलो प्रयास करते हैं उनसे मिलने का। तो सबसे पहले फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद में आप सभी से मिल रेडी हो चुका हूँ भाई। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं मुकेश साहनी के गांव में पहुंच गया हूँ भाई, और यहाँ पे देखो एक चाय का दुकान है। तो अभी हम लोग यहाँ से मिठाई ले रहे हैं मुकेश साहनी के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे बच्चा मिल गया है जो मुकेश साहनी के गाँव का है, ठीक है, उनको पता है, मतलब इनको पता है। तो अपना नाम बता दीजिए। जहीर खान भाई, इनका नाम है जहीर खान और इनको पता है ना तुम्हें जो मुकेश साहनी ब्लॉग बनाते हैं। हाँ हाँ। तो भाई देखो ये जानता है उनके गांव का है, तो हाँ। हम लोगों के वहाँ पे लेकर चलोगे ना? हाँ हाँ। तो भाई देखो अभी ये हम लोगों को लेकर चलेंगे उनके घर पे और उन्हीं से मिलवाएंगे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हम मुकेश भाई के घर पे पहुँच चुके हैं। आप लोग देखो हमारे पीछे, ये देखो यही है मुकेश भाई का घर और यहीं पे वो वीडियो बनाते हैं। आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो जानते होंगे, तो यहाँ पे इनके पिताजी हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी घर पे नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह गए हैं, ठीक है। तो अभी पता करते हैं, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है। तो इनके पिताजी से थोड़ा हम बात करते हैं, पूछते हैं। ये देखिए इनके पिताजी यही हैं, आप लोग वीडियो में देखे होंगे। वही जा बाबा, वही रिंकू की दुकान मोबाइल चार्जिंग लगाए हुए, करंट आए थे सुबह से, अगर मोबाइल स्विच ऑफ है वही नहीं दिखा, वही जाओ कम से कम आधा घंटा चार्जिंग करके मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये बता रहे हैं कि गांव में लाइट नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो चौराहे पर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पे होंगे, बोले वहां पे जाओगे तो मिल जाएंगे। बाकी आप सब देख सकते हो भाई उनके घर। तो हम लोग बहुत पूछते पूछते फाइनली घर पर पहुँच गए हैं, बहुत कष्ट हुआ हम लोगों को ऐसे रास्ते में पूछ पूछ के ना, कोई जान ही नहीं रहा था, ऐसे अंटप्पू में निकले और देखो फाइनली घर पहुँच चुके हैं। आप लोग देखो ये घर, तो चलो उनसे मिलते हैं, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, वहीं चौराहे पे चल के आप सभी से मिलाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुकेश भाई मिल गए हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले तो इनको थैंक यू जो भैया मिलने आया। तो और यहाँ पर देखिए दोस्तों, भैया के बारे में मैंने कुछ भी नहीं पूछा है, इनसे रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं पूछा है। तो हमने सोचा भैया हमको लगभग 10 मिनट पहले ही मिले हो ना आप हमें जी, तो और एक भैया और हमसे मिलने आया है, भैया आप भी आ जाइए ना उतना दूर। तो यहाँ पर दोस्तों मिलने आया है, मैंने कुछ भी भैया के बारे में और भाई के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, हमने सोचा दोस्तों आप लोगों के सामने सारा कुछ पूछेंगे। तो भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सलीम शेख है। और भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम धर्मेंद्र। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दो भैया मिलना है हमसे काफी ज्यादा दूर से, भैया ने ये भी हमें बताया कितना दूर से, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा भैया के बारे में। तो अभी आप ऐसे बता दीजिए आप कितना दूर से आए हो? नहीं मैं करीब 80-90 किलोमीटर से आया, और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि भाई का घर कहाँ है, बस मैं वीडियो देखता था, उसके बाद में निकल गया, छुट्टी था तो हम सोचे कि मिल ले भाई से। और पूछते पूछते रास्ते में कई बार हम लोग पूछे तब जाके मतलब घर पहुंच पाए, आप लोग देख सकते हो। और वैसे अपन जीवन यापन के लिए कुछ करते हैं मतलब कुछ जॉब वगैरह? हाँ जैसे मतलब काम करते हैं, 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, तो समय नहीं मिलता वीडियो बनाने का, वैसे जब कभी छुट्टी रहता तो वीडियो बना लेते हैं। अच्छा बढ़िया, ये बढ़िया बात है कि पार्ट टाइम है यूट्यूब को आप कर रहे हो, ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सच में इतना दूर से आया हो, 80 किलोमीटर दूर। अच्छा एक भैया आए थे, हाँ जो बता रहे हैं आप कि कलवारी से, हाँ वहाँ से आए थे, उतना दूर से तो ऐसा पहली बार हुआ, दूसरा बार हुआ कि इतना दूर से कोई मिल रहे हैं 80 किलोमीटर दूर से? अभी भैया वहीं से है या फिर अगल बगल से? नहीं वहीं से, 10-5 किलोमीटर का मतलब लगभग 70-80 इनका भैया का भी है। तो इतना दूर से आए तो काफी ज्यादा बड़ी बात होती है और खुशी की बात होती है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत लायक हो गया हूँ कि इतने दूर से कोई मिलने आ सकते, तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये सच में दोस्तों आप सबकी कृपा की देन है जो मतलब इतना दूर से कोई मिलना है, बहुत बड़ी बात होती है ना भैया सच में, मतलब इतना दूर से आप मिलना है
तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप बताइए अभी तो मैं दोस्तों, और हाँ देखो मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ दोस्तों, मैं अपने घर में यहाँ पर आया था, मतलब गांव में चार्ज पर लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय लाइट की थोड़ी बहुत झमेला है। आपके पापा मिले थे बताए, घर पे गया था मैं, तो लाइट का झमेला है तो चार्ज पर लगाने आए थे, मतलब भैया है जो मतलब यहीं पर रहते हैं, वो लगा दिए चार्ज, और अभी चार्ज हो रहा था तो भैया मतलब मिलना है, तो हमने सोचा चलिए कहीं अच्छे जगह पर चलते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो यहीं पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आए हैं, टीना वगैरह देख सकते हो, और इधर ये भाई, इनका भी काफी अच्छा लगता है। दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे जी। ये देखिए, ये वीडियो में कभी काल आते हैं, हमेशा नहीं आते, और नहीं जब भी आते एकदम बवाल मचा देते ऐसे बोलते ही है ना विजय भाई। हाँ विजय, याद आ गया नाम भाई, विजय भाई का। और बाकी आप लोग देख सकते हो सारा टीम है यहाँ पे, मतलब सब लोग नहीं बनाते ना, कि बनाते हैं नहीं, जैसे हमारा जो मोहित है ना वो भी रहता है, मगर वीडियो वगैरह नहीं बनाता है, और ये रोहित भाई का एक चैनल है, मतलब बनाते हैं जी। और हाँ तीन चार लोग रहते हैं ऐसे बनाते हैं। और अच्छा ये बताइए आप YouTube पर वीडियो जो बना रहे हो, अच्छा कितना टाइम से बना रहे हो ये बताइए पहले आप। YouTube पे हम तो 2 साल से वीडियो बना रहे हैं, मतलब देखते हैं YouTube पे वीडियो तो बहुत दिन से है, 3-4 साल से, जब से मतलब मनोज थे को पता होगा, जब से वीडियो स्टार्ट किया तभी से हम देख रहे हैं, लेकिन बनाना 2 साल से स्टार्ट किए हैं। अच्छा तो आपने कुछ, आपके घर वाले क्या बोलते थे वगैरह वगैरह, आपने क्या किया मतलब वीडियो बनाने के कुछ वगैरह वगैरह किया जो मतलब घर वालों को बिल्कुल भी पसंद ना आया हो, ऐसा कुछ सीन हुआ है कैसे कुछ जी? सीन ऐसा हुआ कि मतलब जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए अपना जॉब तक का छोड़ दिया, जैसे पापा बोले थे कि मतलब एक पावर प्लांट है जहाँ पे लाइट बनता है, तो वहाँ पे मतलब मेरा जॉब लगा रहे थे कि वहाँ पे लग जाएगा, तुम काम करना अच्छे से, तो वही कि मैं ये सोच रहा था कि YouTube से मैं एक दिन सक्सेस जरूर हो जाऊंगा, महीने 2 महीने में 4 महीने में, इसलिए मैं उस जॉब को नहीं किया। ठीक है, मुझे लगता था कि मैं YouTube से पैसा कमाने लगूंगा, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाया, और 1-1.5 साल बीत गया ऐसे, और मैंने जॉब भी छोड़ दिया, जॉब भी नहीं लगा, और YouTube से भी मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। तो भाई से मिला, मैं सोचा कि थोड़ा हेल्प हो जाएगा जी, बिल्कुल फुल सपोर्ट है आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट है, आप में से जो कुछ भी भाई लोग जानते होंगे मेरे बारे में, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और भाई इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, 2-2.5 साल से वीडियो बनाते हैं, ऊपर से दोस्तों इन्होंने अपना वीडियो बनाने के लिए जॉब वगैरह छोड़ दिया, और घर वालों को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा ना? बहुत बुरा, अब हमेशा यही मतलब जैसे कुछ भी होता है ना, तो हमेशा वीडियो बीच में आ जाती है, जैसे कोई भी बात है ना, तुम जाओ वीडियो बनाओ, ऐसा करो ऐसा, मतलब वीडियो बीच में जरूर आ जाती है, वो और डांटते भी है बहुत ज्यादा। हाँ ये ऐसा सीन है गांव में, यही रहता है, गांव के इलाके में रहते हो आप या फिर शहर के? नहीं गांव में रहते हैं, गांव में ऐसा सीन है दोस्तों, वीडियो वगैरह बनाना, और जैसे मतलब पसंद होता है, जैसे मतलब अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर कोई देखता है तो हंसने लग जाता है कि भाई क्या कर रहा है वो, ये गाँव का यही सीन है भाई, ये होता है आपके गाँव में तो हंसते हैं, हमारे यहाँ तो बोल भी देते हैं कि ये पागलपंथी क्या कर रहा है वगैरह वगैरह, मतलब क्या क्या बोलते हैं जो कुछ मैं बोल भी नहीं सकता वीडियो के सामने, ऐसा सीन है। हाँ बहुत गलत बोल जाते हैं, गाली भी देते हैं। अभी तो हमें तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि अभी आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा YouTube से पैसा भी आ गया, तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, अब कोई नहीं बोलता है। इसी बात पे एक जैसे मतलब आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था आप बता सकते? फर्स्ट पेमेंट हमारा 10,000 आया था, 10,000 आया था, देख सकते हो भाई 10,000 इनका फर्स्ट पेमेंट आया था। और भाई आप ये बताइए, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं जैसे YouTube पर? हमारा लगभग 2-2.5 साल से वीडियो बना रहे हैं, हालांकि एक और चैनल था जिस पर हम लगभग 10 महीना मेहनत किए थे, लगभग 5,000 सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे, और उस पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, लगभग 10-12 महीने उस पर किया था, और उस पर भी मैं 365 डेज में 365+ वीडियोज़ अपलोड किया था, और हमारा ये जो चैनल है इस पर 365 जनवरी में हुआ था, और इस पर भी मैं 365+ वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ, मतलब लगातार वीडियोस भी मैंने अपलोड किया, हालांकि कभी कभी नहीं अपलोड करता था, तो उस दिन मतलब नहीं अपलोड करता था, लेकिन अगले दिन मैं 2 वीडियो अपलोड कर देता था, ऐसा सीन रहता था, मतलब लेकिन कंसिस्टेंसी बराबर रही है लगभग लगभग में, मतलब जितना दिन उतना वीडियो आपने अपलोड किया। हाँ ये है कंसिस्टेंसी मेरी लगभग लगभग में बराबर रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लगातार। हमारे साथ क्या होता है जैसे हम हफ्ते में 1-2 दिन बनाते हैं, बाकी काम करते हैं टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए लग रहा है कि जैसे मतलब रेगुलर नहीं कर रहे, इसलिए हो सकता है ग्रो नहीं हो रहा है, अब रेगुलर हो जाओ तो रेगुलर रहोगे तो हो सकता है, होता क्या है ना भी नहीं मिलता है, जैसे मैं काम करता हूँ ना, जब लगातार 10-12 दिन काम करूँ ना तो मेरा चैनल ग्रो होने लगता है, लेकिन अब बीच में काम आ जाता है, पैसे नहीं रहते तो काम करना पड़ेगा, वो तो भाई तो जब काम करना लग जाता हूँ तो टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए फिर रीच डाउन हो जाता है। तो ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ, अगर मैं रेगुलर करूँ हो सकता है मेरा चैनल ग्रो हो जाए, और भाई के सपोर्ट से हो सकता है आप लोग मदद कर दो
तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा भाई से बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा आपको भाई। आप बस मेहनत करते रहिए, जैसे आप मेहनत करते रहिए आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते रहिए। और देखिए मैंने आपका बताया ना, आप थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह इम्प्रूव कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। देखिए बुरा मत मानिएगा, नहीं नहीं भाई सीखने को मिल रहा है आपसे, बता देता हूँ आपको अच्छा लगे या नहीं। अगर आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जो कुछ भी मैं बताता हूँ तो कर लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, बस यही कहना चाहता हूँ। और भाई इतना दूर से मिल रहे हैं 80 किलोमीटर दूर से, तो आपको अगर लगे कि हाँ भाई को सपोर्ट करना चाहिए, भाई मेहनत करते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो अगर आप लोगों ने भाई के वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करना भाई, आपको भूल दीजिए लाइक कर दो भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल दो ना सब्सक्राइब करने के। हाँ बस दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कितना हमारा वॉच टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम, कितना आपने कितना देखा, 3600 कितना था लगभग, 3600 था, 400 लगभग, 400 के आसपास भाई का मतलब वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला दोस्तों, 400 के आसपास। अगर आप लोग थोड़ा सा मदद कर दे तो ना तो मेरा चैनल पूरा हो जाएगा। हर एक यूट्यूबर का जो ड्रीम होता है भाई हमारा चैनल का मोनेटाइज होगा, वो इनका सपना पूरा हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इनको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिख जाना चाहिए दोस्तों, ताकि भाई का ना चैनल मोनेटाइज हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी देखो भाई को भी जाना अपने घर पर भी बहुत दूर से, 80 किलोमीटर से। तो अभी दोस्तों देखो भाई को जाना, अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं, मतलब भाई मिलेंगे आप लोगों से किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय।